आज हम बहुत ही स्पेशल सा टी टाइम केक बना रहा है, जिसके लिए आपको कुछ भी चीज़ बाजार से नहीं लाना है, सारा चीज़ आसानी से घर में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब लोग? दोस्तों आज हम बनाएगा टी टाइम केक, और ये जो केक है ना बहुत ही आसानी से बन जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों के साथ ये बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी सामान बाजार से नहीं लाना है। आज हम इतना सरल सा रेसिपी लेकर आए हैं, आप देख ही सकते हैं कि केक कितना बढ़िया बना है। इस केक को बनाने के लिए हमने काजू पिस्ता बादाम को लंबा लंबा काटा है, आपके पास जो भी है उसे काट लेना। तो दोस्तों केक बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए केक बनाने में। सबसे पहले आधा कप बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल लेना, आधा कप ताजा दही लेना, एक कप हमने लिया है कंडेंस मिल्क, जिसे मिल्क मेड या मिठाई मेड भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एक कप घर का पिसा हुआ चीनी डाल लेना। तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाना, तब तक मिलाना जब तक कि दही, तेल और कंडेंस मिल्क एक रस ना हो जाए। हम इसमें चीनी नहीं डालेगा, इसलिए हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो शुगर डाल लेना पिसा हुआ एक कप, या फिर आप आधा चीनी और आधा कंडेंस मिल्क भी डाल सकता है। अब ये जो नट्स हमने कूटे थे यह डाल देना, एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देना। आपको कोई भी वनीला फ्लेवर का एसेंस या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, घर में आसानी से हमारे इलायची पाउडर होता ही है, तो वही डालना एक टीस्पून। अब यह केक टिन इसे पहले ही तैयार कर लेना। जब ये मिश्रण आप बना रहा है उससे पहले केक टिन तैयार करना, कोई भी ले सकता है, गोल ले सकता है, रेक्टेंगल ले सकता है, स्क्वायर ले सकता है। बस आपको एक काम करना है कि जो केक टिन आप लेता है ना उसमें तेल लगा लेना अच्छे से, और बटर पेपर फैला देना। बटर पेपर अगर नहीं है तो सिर्फ तेल ही लगाकर छोड़ देना। डेढ़ कप मैदा लिया है हमने, मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना केक बनाने में। डेढ़ कप मैदा लिया है, एक टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून और डाला है, आधा स्पून डाला है मीठा सोडा, जिसे खाना खाने वाला सोडा कहते हैं, जो छोले वगैरह को उबालते हुए डाला जाता है। जितना आपने लिया है मैदा उतना ही जाता है इसमें बेकिंग पाउडर, एक कप के लिए एक टीस्पून, आधा कप के लिए आधा टीस्पून, और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का हाफ जाता है। सारा चीज़ें लेकर अच्छे से छानना, उसके बाद इस मिश्रण में मिला देना, एक ही सीक्वेंस में मिलाना दोस्तों। अब लिया है आधा कप रूम टेम्परेचर मिल्क, दूध जो गर्म करता है ना, जब वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज का नहीं डालनी है और ना ही गर्म गर्म डालना है। तो आधा कप दूध मिला देना, और हम कैसे मिला रहा है ये देख लेना। इसे कट एंड फोल्ड प्रोसेस कहते हैं, बेकिंग में अगर आप इसे फॉलो नहीं करेगा ना तो केक आपका बढ़िया नहीं बनेगा। ये देखिए किस तरीके से हम मिला रहे हैं, बस ऐसे ही मिलाना। ऐसे मिलाने से आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका जो बैटर है परफेक्ट बन गई है। अब देखिए हम आपको गिरा के दिखा रहा है, ये देखिए कैसे रिबन जैसा हो रहा है ना, जिसे साटन रिबन के फोल्ड्स आते हैं, इस प्रकार से फोल्ड इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए। तो बस जब ये बैटर ऐसा हो जाए तब आप इसको पोर कर देना। ये देखिए पोर करते हुए आप देख सकती हैं कि कैसे इसमें फोल्ड से आ रहे हैं, जैसे चुन्नटें पड़ती हैं ना, सलवटें पड़ती हैं कपड़े में, इस प्रकार से आ रहा है। तो सारा बैटर पोर कर देना। अब बैटर पोर करने के बाद इसको इवन कर लेना, दो बार टैप कर देना चाहे तो। बहुत ही सरल रेसिपी है ये, और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी केक बनता है। आप बनाकर देखना, आपको पसंद आएगा। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाता है, काजू पिस्ता बादाम जो भी पसंद है वह डाल देना, अगर नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा। टूटी फ्रूटी अगर डालना चाहता है तो वह भी डाल सकता है। सारा चीज़ें डालने के बाद अपनी उंगलियों के पीछे वाले हिस्से से इन्हें दबा देना, ये देखिए इस प्रकार से सारा अच्छे से दबा देना। अब अगर आपको माइक्रोवेव में बनाना है तो 180 डिग्री पर प्रीहीट करना 15 मिनट के लिए, और 45 मिनट इसे बेक करना। और अगर आप गैस पे बना रहा है तो भी आपको लो फ्लेम पर कढ़ाई को हीट करना पड़ेगा 15 मिनट के लिए, उसके बाद केक का बैटर रख देना इस प्रकार से, और ढक्कन लगाकर इसे 40 से 50 मिनट लगेगा एकदम लो फ्लेम पर पकाना। तो दोस्तों हमने जो कढ़ाई लिया है ना, काफ़ी बड़ा लिया है। बड़ा कढ़ाई लेने से यह फ़ायदा होता है कि हीट ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो काफ़ी बड़ा सा कढ़ाई लेना, उसमें केक को पकाने के लिए रख देना। बस बार बार ढक्कन हटाकर नहीं देखना है, नहीं तो केक बीच में से दब जाती है। होता है ना कई बार केक बैठ जाती है, तो यही रीज़न होता है,
तो ये देखिए केक तैयार है। इस केक को पकने में टोटल जो टाइमिंग है वो 50 से 55 मिनट लगा है, यानी एक घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। तो आप ना इस प्रकार से चेक करना, सेंटर में ही डालना। अगर ये स्टिक या आपका नाइफ क्लीन आता है यानी केक तैयार है, फिर गैस बंद कर देना। तो दोस्तों केक जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसको बिल्कुल ठंडा होने देना, थोड़ा टाइम लगता है केक को ठंडा होने में, 1 से 2 घंटा छोड़ देना। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे डीमोल्ड करना, उसके बाद ये बटर पेपर निकाल देना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो केक टिन में अच्छे से तेल लगाना, ये देखिए कितना बाउंसी बना है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर में बनाया है, ये इतना बढ़िया बना है, बहुत ही शानदार केक है ये, आप एक बार बनाकर देखना। अब इसे कट करना, अपनी पसंद के हिसाब से मोटा पतला जैसा चाहे कट करना। ये देखिए कितना बढ़िया जाली इसमें आया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। दोस्तों इस केक को एक बार आप जरूर बनाना, अपनी पसंद के स्लाइसेस कट कर लेना। ये देखिए, कोई कहेगा कि आपने इसे घर में बनाया है और कितनी आसानी से बन गया है, सारी वही चीज़ इस्तेमाल करी है हमने जो आसानी से घर में मिल जाती हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से रेसिपी को फॉलो करना और एक बार ये टी टाइम केक बनाना, इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे और हर बार इसे अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो एक बार इस केक को जरूर बनाना। दोस्तों केक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। केक को बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि केक में आप रिफाइंड ऑयल जब डालेगा ना तो कोई भी फ्लेवर उसमें नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक में स्मेल आएगा। आप इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकता है, घी का इस्तेमाल कर सकता है। घी बटर डालने से केक थोड़ा सा हार्ड बनता है, तो प्रेफर किया जाता है कि केक ऑयल में ही बनाया जाए। जितना दही लेना है उतना ही ऑयल लेना है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, आप उसकी जगह पिसा हुआ चीनी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो 1 कप चीनी सफिशेंट है इसमें, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकता है। केक बहुत ही बढ़िया बनकर आपका तैयार होने वाला है। केक में इलायची पाउडर जरूर डाल लेना, इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, गारंटी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना। थैंक यू।